स्पीकिंग विद भुक्या शिवानी राठौर. मजबूरी है जानती हूँ, बट जवाब देना है मुंह तोड़. टुडे इज अ डे व्हेन कश्मीर इज टुडे इज अ डे व्हिच विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एजेस एंड एजेस. Today is a day where Kashmir gets integrated and unfulfilled dream of one nation and one constitution is complete now. Yes, I am talking about Section 370 and 35A. Today, my heart beats with immense pride and joy. ये मैं नहीं बोलने वाली क्योंकि आज हम लोग के साथ मौजूद है कई सारे सेलेब फिगर्स. तो चलो बुलाते हैं. First, for the topic, we have a foreign minister and a public manipulator, Jay Shankar ji. Namaste. And second, we have an actress and turned out politician, our dream girl Hema Malini ji. अब आते हैं बिग बॉस सीजन 85 के विनर बाबा रंगी बाबा हिंदुस्तानी माफ कीजिए नाम उल्टा हो गया. एंड मूविंग ऑन टू द अगेंस्ट टॉपिक के अगेंस्ट we have all time modi hater and english enthusiast miss shashi tharoor madam miss shashi tharoor sab theek hai everything all right. ab chalte hain a top flop nahi a flop actress sorry kya likhte hai script sorry madam a one of the top actress and twitter sensational स्वरा भास्कर जी कट कर दे रहे. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव हसन कादरी जो कि हिस्ट्री पे बहुत ग्रिप है. सॉरी कट हो गया था. इधर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने मुझे मंच दिया है कि मैं पूरी आवाम और पूरी जनता को बता सकूं कश्मीर के बारे में. दूसरी बात हिम्मत जी हाय. पिछले 25 सालों में लगभग 41,000 लोग की मौत हुई है, यानी कि 4 मौत हर दिन. तो ये जो आर्टिकल 370 हमने किया है इससे वहाँ पे टेररिज्म कम होगा और कश्मीर को डेवलपमेंट की राह पे चलेगा. ये मोदी सरकार का ड्रीम है. तो ड्रीम के नाम पर सुनने की क्षमता रखिए. हेमा जी बताइए कैसे कैंटारो. तो बढ़िया, आपका क्या राय है इस पे? द वुमेन ऑफ कश्मीर एंड जम्मू हैव बीन डिनाइड राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट्स ऑफ मैरिज सिंस डेकेड्स. दे इफ दे मैरी समबडी फ्रॉम आउटसाइड कश्मीर दे लूज देयर प्रॉपर्टी एंड दैट इज नॉट राइट. सो द 370 आर्टिकल वो सही है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है. आप ही गाना बजा ले रहे आप ही नाच ले बाबा जी का तो ओके. आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में. धन्यवाद बेटा मुझे शो पे बुलाने के लिए. ओके, जो आर्टिकल निकाला है बहुत अच्छा काम किया. हमने तो बहुत सबासी वाला काम किया. हम बहुत सबास. तो फिर जो है कश्मीर का राज्य वहाँ पे गोलीबारी धक्का मुक्की आतंकवादी सब आम बातें हैं. मोदी गवर्नमेंट बस इसी को टैकल करना चाहती है. जी अब आते हैं मैम आप पे. आप बताए आपका क्या ओपिनियन है इस पे. As a member of the Congress Party, I strongly condemn this exercise of infuriating abrogations on the laws of Jammu and Kashmir. I, as a citizen of this country, am flabbergasted.
क्या बोल रही है फैबर वेबर संभाल बाबा जी को इंग्लिश नहीं आती हिंदी में बोलिए हमको तब आता है बाबा ये प्लीज शो है थोड़ा प्लीज मैम आप बताइए मैम स्वरा भास्कर जी कैसा लगता है आपको ये ओपिनियन है आपका आई वाज जस्ट ट्वीटिंग अबाउट हाउ बायस दिस डिबेट इज आप लोग सिर्फ लोग इधर फॉर ही बात कर रहे हैं नेवर माइंड हम लोग ने वैसे भी द गवर्नमेंट हैव नॉट कंसल्टेड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर आप उन लोग को पूछते तो उनकी राय ये बारे में कुछ अलग ही रहती पर आप लोग ने वो किया ही नहीं आपने बस अपने अंदर अंदर पार्लियामेंट में बिल पास करा दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया एंड लोगों को नहीं पूछा इस बारे में आई एम वेरी फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट आप बताइए हसन कदरी जी आपका राय क्या है इस पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सर रैडक्लिफ वाज आस्क्ड टू मेक द आप बताइए सर आपको कैसा लगता है पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे आपके चैनल पर बुलाया और बाकी कट कर देंगे आप बाकी के ऑडियंस का भी मैं आभारी हूँ कि वो हमें सुनने आए और मैं अपनी बात रखने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा इस पर की इरशाद इरशाद कभी सरहदें तुझे सताती है जी कभी करवटे लहू बहाती है ये कैसी आंधी है हाँ। जो मजहब को मजहब से लड़वाती है अरे बाबा इसे अपना कह सकूं कोई बताता क्यों नहीं जो बड़ सहारा दे ऐसा हाथ कोई बढ़ाता क्यों नहीं मैं खोजता रहा अमन चैन पर अभी पाया नहीं हक तो तूने भी जताया पर कभी अपना कहने आया नहीं जुल्म सहने की इंतहा है जिसमें वो शरीर है तू क्यों उदास बैठा है कश्मीर क्षमता रखिए जी आज 15 अगस्त को ये बिल लाया गया था पार्लियामेंट में और 6 को राज्यसभा में बिल पास किया गया था और आज 6 सितंबर आज एक महीना हो गया एक महीने से एक स्टेट के अवाम को बंद रखा गया सर बट कई चेंजेस भी तो आए हैं क्या चेंजेस है सर आप देखे हैं कल ही रिलीज हुआ था कि बिफोर एंड आफ्टर का इमेज रिलीज हुआ था कश्मीर का आप देखे ना चेंजेस तो आए हैं तीन तक एक लोगों को बंद कर रखा है किसी के घर में बात करेंगे किसी के घर में आप बताए नहीं नहीं बात घर में पेशेंट है उन्हें खाना है किसी के घर में खाना नहीं है उन्हें क्या करना सर ये मेरा शो है मेरे बात मानिए प्लीज आप बताइए बताइए पहले तो ये जो बोल रहा है ये By use of power and having a majority, the bill will pass at 11 AM without any prior notice. रीजन हमने नोटिस नहीं दिया था क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर का हालत अभी कैसा है और भारत का हालत अभी कैसा है कैसे यहाँ पर यू शुड हैव गिवन अ प्रायर नोटिस नो 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 उसकी वजह से गंदा फसाद होगा आप समझ नहीं पा रहे सर आप धीरे से आपको मिलेगा चांस मिलेगा आता नहीं लगा ना इंटरनेशनल शो आपको मैम आप बताइए मोदी जी का बस एक ही ड्रीम है कि कश्मीर को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स बनाना है इंडिया का ठीक है उनका यही ड्रीम है कश्मीर के लोगों ने क्रॉस राइड्स देखी है टेररिज्म देखा है रोज कोई ना कोई मरता है तो अगर कुछ नहीं होगा अभी आप जो डेवलपमेंट करना चाहेंगे वो होगा क्या आप सिर्फ प्रोमिस करते हो मैम आप मेरा डेवलपमेंट प्लान सुने ही नहीं तो आप कैसे अज्यूम कर सकते कि होगा ओके मैम बोलिए बोलिए कश्मीर में रोड नहीं है पानी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पिछले जो भी गवर्नमेंट कश्मीर में थे उन्होंने सिर्फ उनके बारे में सोचा उन्होंने कश्मीर के लोगों के बारे में नहीं सोचा हमारा यही मोटिव है कि हम कश्मीर को डेवलप करें प्रॉपर रोड्स बनाए प्रॉपर वाटर बस 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 मैं आप क्या कहना चाहते हैं इस पे बताइए कश्मीर पे रोड नहीं है तो क्या कश्मीर वाले पहाड़ों पे से जाते हैं पानी नहीं है तो कैसा जी रहे वो लोग जी और डेवलपमेंट के नाम पे आप बोल रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी बनाए तो इंडिया में और 28 स्टेट उन लोगों को भी डेवलपमेंट के नाम पे यूनियन टेरिटरी बनाएंगे आप पानी रहना अलग बात है साफ पानी रहना अलग बात है रोड रहना अलग बात है अच्छे रोड बनना अलग बात है तो वो भी आप दिमाग में रखो आपकी गवर्नमेंट ने क्या दिया कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया नेहरू जी दिए स्पेशल स्टेटस अडवाणी आरएसएस का लोगों ने दिए क्या किए कुछ नहीं कुछ नहीं
पे हम दिए, तुम तो खींच लिए स्पेशल से। सर सर रुकिए एक मिनट, सर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। आर्टिकल 370 निकाल कर प्लीज एक मिनट सर बात करने दीजिए। बोलिए बोलिए, पहली तो सुनिए आप एक मिनट। अरे आप बोलिए, हमें मालूम है आप इंग्लिश मीडिया है भैया। आप बताइए ये आर्टिकल 370 कितने सारे एमएनसी है जो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। वहाँ पे जवान बच्चों, जवान लोगों को, जवान बच्चों को वहाँ पे शिक्षा मिल नहीं रही है। वहाँ पे हाई स्कूल नहीं है, वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है। हम मोदी गवर्नमेंट, हम यही चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि जैसे केरला में लिटरेसी रेशो सबसे हाईएस्ट है, वैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में चाहते हैं, यही हमारा ड्रीम है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप एमएनसी और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स खड़े कर देंगे तो काफी है, वो नहीं होने वाला है वहाँ? और वो लोग के आप लोग पहले वहाँ के लोगों को पूछना चाहिए उन लोगों को क्या चाहिए। बस आपको तो बस इन्वेस्टमेंट के नाम पे सबको बुलाना है, लैंड बेचना है। आपको प्रैक्टिकली आप सोचो कोई अपना जगह बेचने के लिए रेडी होगा जी? पॉइंट है मैम, आप बताइए मैम। Do you think people will go there and invest and make the area more developed when there is threat of life there? There's a lot of terrorism going on. टेररिज्म को कम करने के लिए। और अभी इतना ही टेररिज्म को कम करना है तो पुलवामा का अटैक इंक्वायरी का इंटरनल मैटर है, इंटरनल इंटीग्रल पर आप लोगों ने किया है। यूनियन को पूछे बगैर आपने डिसीजन ले लिया, वो सही किया है। शो में चला गया था, आप बताइए कौन सा यूनियन था? वो चाइनीज और पाकिस्तानी ट्रूप भी मौजूद है। मैं आपको शो के बाहर फेंक देता हूं। तो बुलाने का मतलब ही क्या है मैडम, जब आप मेरा पॉइंट नहीं सुने? इसका जवाब मैं दूंगी। पहली बात तो अब जो ये बिल पास हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर विल सोली बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो चाइनीज ट्रूप्स और जो पाकिस्तानी ट्रूप्स है दे आर इलीगल, तो अपने पास पूरा राइट है उनको निकालने का। दे वर इलीगल बिफोर आल्सो, बट दे वर टेररिज्म एंड ऑल ऑफ दिस अटैक्स वाज गोइंग ऑन। डू यू थिंक इट विल स्टॉप नाउ? यस इट विल। हैव यू नॉट सीन, have you not seen the control that has been going on? The control ye tha ki kashmir bachon ko eid banane apne ghar nahi jaane diya aap logo ne, diwali tak banane nahi diya ye eid aapko pata thi eid aane wali, fir bhi wahi time pe aap logo ne आर्टिकल निकाला और बच्चों को जाने नहीं दिया, पेरेंट्स से बात नहीं हुई, ऐसी हालत कर दी है वहाँ लोगों की। मैम कोई भी बिल पास करने से पहले ये देखेंगे कि कैलेंडर खोल के कौन सा फेस्टिवल आ रहा है। पहले कानून लाया जा रहा है तो वो स्टेट से, वो स्टेट के लोगों से ओपिनियन लिया जाता है क्या ये वो लोग? मैं कोई कह रही हूँ, आप लोग ने किसी को पूछा नहीं, बस अपना मन मर्जी करा। आज एक महीना का क्या नरेंद्र मोदी जी विजिट करे कश्मीर को, क्या अमित शाह विजिट करे कि देखे वहाँ पर क्या माहौल है? वहाँ पर जाके तो विजिट किए थे ना, वहाँ का हालत गए तो थे कोई तो आप लोग नहीं गया। आप बस वो एडिट इनकी मेहरबानी है, ये मीडिया की मेहरबानी है। बहुत साल से मालूम है कश्मीर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, हमको वो दिमाग में रख के ही सेक्शन। आप तो कोलिशन में था रिसेंटली, आपका गवर्नर है वहाँ पर हसन। What does the guarantee that the government will consider the opinion of people there when they did not even consider them while removing the act of 370 and 35A? What is the guarantee now that you will consider them? Ma'am, patti baat nahi hota hai, boliye. आप बोल रहे हैं कि हमने कंसीडर नहीं किया, नोटिस नहीं किया। आपने 2013-14 में क्या किया? आंध्र और तेलंगाना को कैसे आपने डिवाइड किया? हम इधर कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। आप बताइए
मिजोरम में भी है, नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल में, हिमाचल में, वहाँ पर से भी निकालिए, सबको एक नजर तो देखिए। वन नेशन वन प्राइड आप कब से बोल रहे हो ना, तो सब सब स्टेट का स्पेशल स्टेटस निकाल दीजिए। हाँ तो आपको तो करना नहीं है, दिन भर बैठ के तेरे लिए कुछ करे। तू कैसे बात कर रही है, ऑफिसर का लेटर रिजाइन नहीं करता था वो लोग, और उन्होंने मीडिया में इंग्लिश के शिवानी ये बोला इंटरव्यू में बोला कि आई जॉइन द सिविल सर्विस ऑन द बेसिस आई जॉइन सिविल सर्विस विद द होप दैट आई विल बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल बट हियर ही लॉस्ट हिज ओन वॉइस। ओके ये तो फ्रॉड है। अरे अरे झगड़ा नहीं करने का प्लीज प्लीज। बाबा जी आप थोड़ा संभाल करके देख के चल सर। बाबा जी बिग बॉस ने आपको कई बार बोल चुकी है, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? जब ऐसे कानून ला रहे हैं तो मैं आपसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट आप लोग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉब लिंचिंग पे भी लाइए, जो इंडिया में जो आज चल रहा है मॉब लिंचिंग पे जितना ये सब वो मैटर नहीं, ये मेरा डिबेट आज बस कश्मीर के लिए है, ये मॉब लिंचिंग करने है। आपके पास कुछ है बोलने के लिए? पर वो ये बोल रहे कि मॉब लिंचिंग कश्मीर में भी होता है। तो मैडम आप क्यों टॉक कर रहे हो, आप मेरे की क्षमता रखिए। सवालों से भाग रहे। अरे क्या सर आइए सर, और एक बार अगर मैं डिबेट छोड़ दी तो बाबा जी पीछे चुके।